नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और अब चलिए रुख करेंगे खबरें धुआंधार का। एटा के पटियाली गेट चौकी के पास एक नशेड़ी युवक ने जमकर हंगामा किया। काफी देर तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस को भी युवक को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह में चोरों ने कई लोगों की जेब काटी, लाखों का कैश पार किया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। आगरा के मॉल रोड पर जाम में फंसे राहगीरों में हुई मारपीट, नशे में धुत दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, मारपीट का वीडियो वायरल। फतेहपुर में एक शख्स की हत्या के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे डीएम सिंह साफ की गुहार लगाई। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर हुई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एक और संत कॉरिडोर को लेकर प्रशासन के साथ है तो दूसरी ओर व्यापारियों और गोस्वामियों ने इसका विरोध किया है। बिजनौर में गांव में घुसा जंगली हाथी, देखते ही घरों में घुस गए लोग। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। थाना मंडावली के राजगढ़ इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया, पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगरा में पुलिस और आईबी ने 32 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, सभी अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे। जांच एजेंसियां सभी से पूछताछ कर रही। हल्द्वानी में स्मैक तस्कर और 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 13,80,000 की 38 ग्राम स्मैक बरामद, पुलिस और एसओजी टीम ने मिलकर आरोपियों को पकड़ा। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने युवती से लूट की कोशिश की, सफल नहीं होने पर युवती को धक्का दिया। युवती का इलाज नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। बागेश्वर में देर रात मुख्य कृषि अधिकारी के घर में बदमाशों ने फायरिंग कर दी, एक गोली खिड़की के दरवाजे पर लगी, पुलिस मामले की जांच में लगी। गोरखपुर में पति ने पत्नी सहित दो बच्चों को उतारा मौत के घाट, मर्डर के बाद खुद को आग लगाकर आत्महत्या की, गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव की घटना। फतेहपुर में जंगल गए युवक की गोली मारकर हत्या, दिनदहाड़े हत्या से इलाके में फैली सनसनी, किशनपुर थाना क्षेत्र के मलोकबारी कचरा गांव का मामला। बस्ती में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग, पुरानी रंजिश में दबंगों ने चलाई गोली। सेल्समैन की हत्या, लूट के मामले में जेल से छूटे बदमाशों पर गोली चलाने का आरोप, परशुरामपुर थाना क्षेत्र के कटसरा गांव की घटना। सीतापुर में संदिग्ध परिस्थिति में खेत में मिला युवक का शव, छुट्टा जानवरों से खेत की रखवाली के लिए खेत में सोता था युवक। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हत्या, ईंट से चेहरा कुचला हुआ, खून से लथपथ मिला, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जौनपुर में पुलिस टीम की बावरिया गैंग से मुठभेड़, गैंग के दो सदस्य को गोली लगी, इलाज के लिए दोनों को अस्पताल भेजा गया। बदमाशों से तमंचा, कारतूस, बाइक और लूट की दो चेन बरामद, बलिया से आजमगढ़ होते हुए मनियाहू जा रहे थे अपराधी, लाइन बाजार के प्रसाद तिराहे पर पुलिस ने दोनों को घेरा। जालौन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली, एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी जख्मी। एनकाउंटर में तीन बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रक में गौवंश को लादकर एमपी से यूपी बॉर्डर होते हुए बिहार जा रहे थे बदमाश, माधोगढ़ के ग्राम मिजाना के पास से मुठभेड़। कानपुर में ट्रेन सवार विदेशी नागरिकों के साथ चोरी का खुलासा, कोच अटेंडेंट समेत पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, इनके पास से विदेशी नागरिक का पर्स बरामद। औरैया में दारोगा को एंटी करप्शन की टीम ने चौकी में ही 10,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा, दहेज के मामले में जांच के दौरान आरोपियों से नाम निकालने के नाम पर रिश्वत मांगी थी। गाजियाबाद में पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार समेत 4 आरबीडब्ल्यू पदाधिकारियों पर केस दर्ज, थाना कौशाम्बी में फोर्जरी की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में टेंट की दुकान में लगी आग, दुकान के अंदर सो रहे कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार सवार घायल हालत में सीएससी भर्ती, थाना शेरकोट के राम सहाय बाला इलाके की घटना। आगरा के शाहगंज में मकान की छत गिरने से हादसा, पति पत्नी मलबे में दबे, आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दंपति को निकाला बाहर।
मथुरा के नौझील में 30 फीट गहरे नाले में गिरी कार, पुलिस ने सीट बेल्ट को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हुई बैठक, मदनी ओवैसी के साथ 51 मेंबर शामिल, समान नागरिक संहिता सहित कई मुद्दों पर चर्चा। कल से दो दिन के त्रिपुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार, जनसभा कर मांगेंगे जनता से वोट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गर्ल्स हॉस्टल का शुभारंभ, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा देश। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राम राज्य का सपना साकार हो रहा है, मिलकर काम करने से आते हैं अच्छे परिणाम। काशी के रविदास मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेका मत्था, संत रविदास जयंती पर आयोजित समारोह में हुए शामिल, पीएम मोदी का संदेश पढ़कर भक्तों को सुनाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी संत रविदास की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, ट्विटर पर संत रविदास के दोहे की पंक्ति को शेयर किया। मायावती ने ट्वीट कर संत रविदास को उनकी जयंती पर किया नमन, ट्वीट करके लिखा सिर्फ मत्था टेकने का काम न करें बल्कि गरीबों और पीड़ित का ख्याल रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कानपुर में इरफान सोलंकी के पांच साथियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जल्द ही कोर्ट में नहीं पेश हुए तो चस्पा होगा कुर्की का नोटिस, आगजनी मामले में आरोप। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके गैंग की संपत्ति जल्द होगी सीज, कानपुर पुलिस ने की पहचान, करीब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बिफरे नवनिर्वाचित एमएलसी देवेंद्र सिंह, कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को डस्टबिन में नहीं डाल देगी जनता, लोग अपने धर्म और रामचरित मानस को ठीक तरीके से समझते। औरैया जिले के देवतली महोत्सव पहुंचे भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा पर बोला हमला, कहा पुरानी सरकार ने उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया है, साथ ही प्रदेश सरकार की तारीफ की। रामचरितमानस को लेकर घमासान जारी है, गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में दलित समाज के लोगों ने रैली निकालकर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका। कानपुर के घंटागढ़ चौराहे पर भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन, प्रसिद्ध मंदिरों को महंतों ने मौर्य को बताया कलयुग का रावण, सपा नेता की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बसपा नेता इमरान मसूद ने सपा भाजपा दोनों पर हमला बोला, कहा दोनों एक ही एजेंडे पर खेलते हैं, साथ ही दोनों देश में हर धर्म के लोगों का समान अधिकार है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने बजट पर अखिलेश की प्रतिक्रिया पर कहा कि वो अपना विपक्ष धर्म निभा रहे हैं, साथ ही कहा कि सरकार सबको लेकर काम कर रही है। आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बुके देकर माला पहनाकर सपा मुखिया का स्वागत किया। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा महिला हक अधिकार महारैली का आयोजन हुआ, महारैली में ओम प्रकाश राजभर का भव्य स्वागत हुआ। शामली में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर विधायक प्रसन्न चौधरी ने पंचायत का आयोजन किया, 7 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। देहरादून में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की वजह से महिला गिरफ्तार, बच्चे के अच्छे स्कूल में दाखिला कराने की चाहत में लगाया था फर्जी डॉक्यूमेंट। पौड़ी जिले की एसएसपी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की अवैध संपत्ति का ब्यौरा भेजा, 3.25 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम पौड़ी और डीएम हरिद्वार को ब्यौरा भेजा गया। श्रीनगर गढ़वाल में कर्मचारियों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, हजारों कर्मचारियों ने एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। बड़कोट में मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक, 13 फरवरी से शुरू होकर 5 दिन तक चलेगा मेला, कोविड के चलते पिछले 2 सालों से नहीं हुआ था मेले का आयोजन। कोविड और उसके आसपास के जलाशयों में प्रवासी पक्षियों की चहल पहल हुई कम, अपनी मूल जगहों पर लौटने लगे हैं प्रवासी पक्षी। लखनऊ सिटी में मैराथन का किया गया आयोजन, आईआईएम लखनऊ के मैनिफेस्ट वर्चस्व के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में सिटी मैराथन में लोग शामिल हुए, मैराथन में जीतने वाले को गृह विभाग के सचिव वीडी पॉल्सन ने सम्मानित किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ सरगर्म अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने किया प्रदर्शन, जूतों की माला पहनाकर एलडीए का जलाया पुतला, लखनऊ विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आगरा में गणपति क्लासिक बिल्डर की मनमानी के खिलाफ अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का प्रदर्शन, सुविधाएं न मिलने से नाराजगी, हरिपर्वत थाना क्षेत्र के विजयनगर का मामला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति चौक पर अब जाम से मिल सकेगी राहत, चार मूर्ति चौक पर अंडरपास बनाने की गति होगी तेज, अंडरपास को बनाने में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होने का आंकलन।
अयोध्या में राम मंदिर तक जाने के लिए बनेंगे 3 और भव्य पथ, इन्हें राम भक्ति धर्म पथ के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट में जल्द ही रखा जाएगा प्रस्ताव। अयोध्या में माघ पूर्णिमा स्नान पर सरयू में श्रद्धालु ने लगाई डुबकी, सरयू में डुबकी लगाने के लिए लोगों का उमड़ा था हुजूम। पूर्णिमा के मौके पर संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, स्नान के साथ खत्म हुआ 1 महीने का कल्पवास। संगम में स्नान को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रवि पुष्य और आयुष्मान योग्य के अद्भुत संयोग के चलते भारी तादाद में संगम नगरी पहुंचे श्रद्धालु। प्रयागराज में स्नान घाटों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मेला क्षेत्र के 200 सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी हुई, घाटों पर डीप वाटर बैरिकेटिंग, जल पुलिस गोताखोर तैनात। वाराणसी के घाटों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, पूर्णिमा पर भक्तों ने स्नान करके पूजा पाठ किया, पूर्णिमा के दिन स्नान का है खास महत्व। हैदराबाद को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, गिरफ्तार आतंकी जाहिद से पूछताछ में खुलासा, रैली सार्वजनिक स्थान पर लोन वुल्फ अटैक का था प्लान, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने भेजा था हैंड ग्रेनेड। विवादों के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर सनातन धर्म संसद का आयोजन, कई हिंदू संगठन शामिल। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे भारत आएंगे, श्रीलंकाई उच्चायुक्त बोले पीएम मोदी ने दिया है औपचारिक निमंत्रण। मणिपुर के हप्ता कंगीबंग में विस्फोट, चीनी बम होने के शक, फैशन परेड कार्यक्रम होना था आयोजित, बम विस्फोट के बाद कार्यक्रम रद्द। इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।